दोस्तों, यूं तो दुनिया में इस समय 195 देश मौजूद है, लेकिन हर देश का अपना अलग अलग रहन सहन, बोली भाषा और पहनावा है, जिनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो काफी कमजोर हैं और उन पर पकड़ बना पाना बहुत आसान है। पर जाहिर सी बात है कि जब इतने कमजोर देश हैं, तो इस दुनिया में कुछ ऐसे मजबूत देश भी जरूर होंगे जिन पर पकड़ बनाना तो दूर की बात है, कोई उन पर हमला करने के बारे में भी नहीं सोच सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह उन देशों की ताकत है। और हमारी आज की इस वीडियो में हम भी आपको कुछ ऐसे ही ताकतवर देशों के बारे में बताने वाले हैं जिनके कारनामे सुनकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया पर फतह पाना लगभग नामुमकिन है। अब हमने नामुमकिन शब्द ऑस्ट्रेलिया की आर्मी को देखकर नहीं, बल्कि इसकी ज्योग्राफी की वजह से बोला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश उसके आसपास कोई है ही नहीं। असल में बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास में जो मजबूत देश है वो चाइना, इंडिया और जापान है, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, और बाकी देश भी ऑस्ट्रेलिया से काफी दूर है। लेकिन इस दूरी के बीच में आने वाले जितने भी देश है उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया पर फतह पा लें। ऐसे में दोस्तों, अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी कर दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% जनसंख्या समुद्र के किनारे बने शहरों में रहती है, जहां बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है और वहां पर आपको जंगली जानवरों और रेगिस्तान से भरा इलाका मिलेगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री बेस कहाँ और किस किस जगह पर मौजूद है, इसे पता करना वाकई में बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से जब जापान ने विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने की सोची तो वो नाकामयाब रहा और उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। ईरान। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान की, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। और हम आपको बता दें कि ईरान के रिश्ते सऊदी अरेबिया, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से बहुत ही ज्यादा खराब होने के बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई भी ईरान पर हमला नहीं कर सका। अगर हम ईरान की सेना की बात करें तो दोस्तों, ईरान की मिलिट्री में लगभग 5,00,000 सैनिक, 1,658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेन्स के साथ साथ ईरान का सख्त मिलिट्री रवैया किसी भी दुश्मन देश से लड़ने के लिए काफी है। हालांकि इससे ताकतवर भी कई सारे देश हैं, लेकिन इस देश में घुसना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये देश पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। इसी वजह से ईरान की मिलिट्री पावर भले ही कम है, पर फिर भी बहुत सटीक तरीके से बांटी गई है, जो उन्हें एक ताकतवर देश बनाती है। इजराइल। इजराइल एक बहुत ही छोटा सा अरब देश है, यहाँ तक कि अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है, लेकिन फिर भी अब तक किसी भी देश की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इजराइल पर कब्जा जमा सके। यहाँ तक कि इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 सैनिक है, पर यहाँ के नियमों के अनुसार इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है, जिसकी वजह से हर एक शख्स के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। उसके साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का दूसरा सपोर्ट भी इजराइल के साथ है। वैसे ये देश आत्मनिर्भर भी बहुत है, इसी वजह से इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसका मतलब ये पूरी तरह से सुरक्षा से घिरा हुआ है और इस देश में कोई भी मिसाइल एंटर नहीं कर सकती। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से दूर रहने के लिए तो उसका नाम ही काफी है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सनकी शासक बहुत खतरनाक है। हालांकि नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ है, जिसमें सबसे पहले अमेरिका आता है, पर फिर भी कोई भी देश इस पर हमला नहीं कर सकता। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह इस देश की हिम्मत है, क्योंकि दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में 1,00,000 से भी ज्यादा सैनिक, 4,000 से भी ज्यादा टैंक और 222 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। और तो और, इस देश का सबसे बड़ा हथियार इसका न्यूक्लियर वेपन है, जो एक ऐसे सनकी शख्स के हाथ में है जिसे चलाने में एक बार भी नहीं सोचता। इसी वजह से कोई देश ये नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वॉर हो, जिस कारण हर कोई नॉर्थ कोरिया से दूर रहने में अपनी भलाई समझता है। रशिया। अब बात करते हैं रशिया की। दोस्तों, रशिया कितना ताकतवर है ये तो रशिया हर समय अपने कारनामों से साबित करता रहता है, लेकिन अगर आप अभी भी इस बात को गहराई से जानना चाहते हैं तो आप नेपोलियन और हिटलर जैसे अपने समय के सबसे ताकतवर लोगों से पूछ सकते हैं। खैर, ये बात तो संभव है नहीं, लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि रशिया ने वाकई में इन लोगों को चने चबवा दिए थे। असल में हुआ ये था कि नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रशिया में कब्जा करना चाहा था,
लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऐसे में इसकी सुरक्षा की वजह से इसकी जियोग्राफी का बड़ा कमाल का हाथ है, जहाँ पर यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। पर अगर हम इस समय रशिया की बात करें तो रशिया सबसे बड़ा दूसरा ताकतवर देश है, जहाँ इसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, जिसने दुनिया भर के अंदर रशिया का खौफ कायम रखा है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। भूटान। दोस्तों, भूटान का नाम सुनकर बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है, जो इंडिया के उत्तर में हिमालय पहाड़ों पर बसा हुआ है। हालांकि भूटान की आर्मी में मात्र 6000 सैनिक मौजूद हैं और ना ही इनके पास एयरफोर्स है, पर यह जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास सैन्य बल हो वही देश ताकतवर होता है, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है कि आज तक भूटान पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का जियोग्राफिकल एरिया, जो चारों तरफ से ठंडी ठंडी पहाड़ियों से भरा पड़ा है। ऐसे में जब ब्रिटिश सभी देशों पर कब्जा करने निकले थे, तो उन्होंने भूटान पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपने टैंक्स ले जाने में नाकामयाब रहे, जिस कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। वैसे इस देश के पास हमारे भारत की भी सैन्य बल मौजूद है, जहाँ भूटान को भारत काफी मदद करता है, यहाँ तक कि भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी इंडिया ही देता है। कैनेडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां इसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनिक ही मौजूद है। पर आप अफसोस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कनाडा को अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी दो वजह है। जहां एक तरफ ये देश वाकई में बहुत बड़ा है और यहां के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इस पर कब्जा करना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा का पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि न सिर्फ कनाडा का पड़ोसी है बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के साथ साथ कनाडा का काफी अच्छा दोस्त भी है। ऐसे में भला कौन चाहेगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पड़ोसी देश से पंगा लेकर हार का मुंह देखना पड़े, क्योंकि जो देश कनाडा पर हमला करेगा उसे अमेरिका से भी तो भिड़ना ही पड़ेगा। स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड न सिर्फ बेहद ही खूबसूरत देश है, बल्कि ये ताकत के मामले में किसी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का डिफेंस सिस्टम वाकई में काफी मजबूत है। दोस्तों, जिस तरह बाकी देश अपने ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से एकांत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं देशों में से एक स्विट्जरलैंड भी है, जो भले ही छोटी आर्मी के साथ अपने सैन्य बल को मजबूत बनाए हैं, पर इसके ज्योग्राफिकल एरिया ने इसे एक मजबूत देश बना दिया है, क्योंकि स्विट्जरलैंड से लड़ने के लिए दुश्मन को ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर से जाना पड़ेगा। हालांकि दुश्मन देश की सेना के लिए सफर जितना ही सुहाना होगा, उतना ही कठिन भी, और ये हर कोई बात जानता है कि दोस्तों पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए कठिन होता है। पर इन सबके अलावा अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड के सारे पड़ोसी देश न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसके दोस्त भी है, जो इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इंडिया। दोस्तों, जब हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बात कर रहे हैं, तो भला हमारा भारत इस लिस्ट में कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि हमारे भारत से जीतना भी काफी मुश्किल है, और इसकी वजह इसकी ज्योग्राफी और आर्मी दोनों ही ताकतवर है। जहां अगर हम आर्मी की बात करें तो दोस्तों, दुनिया भर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सैनिक हमारे भारत के पास ही है, जहाँ ये न सिर्फ नंबर में बड़े हैं बल्कि हौसलों में भी काफी बड़े हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा सैनिकों वाले देश चाइना तक ने कई बार भारत को हराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान का हाल तो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। पर अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो दोस्तों, इंडिया के उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है, और इन खतरनाक पहाड़ों में हमारी भारतीय सेना रहती है, इसलिए दूसरे देश के उत्तर से आने के तो चांस ही नहीं है। पर अगर दक्षिणी इलाकों की बात करें तो इंडिया तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और हमारी जल सेना भी कुछ कम शानदार नहीं है, जिसकी वजह से अगर एक आध इलाके बच भी जाते हैं तो वहां से जब भी कभी किसी ने हमला करने की कोशिश की है तो उसे भी निराशा ही हासिल हुई है। इसके अलावा भी दोस्तों, भारत के संबंध अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से भी अच्छे हैं। अमेरिका। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हमारी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में जहां उन देशों पर कोई कब्जा नहीं कर पाता, तो उसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का आना ही था। अब आप खुद सोचिए, अमेरिका को यूं ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं कहा जाता, जहां इन्हें सैन्य बल के साथ साथ इनका न्यूक्लियर पावर होने का जो रॉब है, वो किसी दूसरे देश को भी याद दिला सकता है कि अमेरिका से लड़ने के बाद उसके हाथ निराशा ही लगने वाली है। और तो और, जब से अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक किया, तब से अमेरिका का रॉब और ज्यादा बढ़ गया है।
इन सब के अलावा जो देश अमेरिका पर हमला करने लायक भी हैं, वो इससे ज्योग्राफिकल एरिया में काफी दूर है और पास वाले सभी देश अमेरिका के दोस्त हैं। इसी वजह से अमेरिका अभी तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के पद पर मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में कॉमेंट जरूर करके बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर